एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सर कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया सीरीज जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी करें। यहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट सभी सेक्शन चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे। देखिए, 6 क्लास से हमने ये सीरीज इसलिए स्टार्ट की है ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएँ। वैसे तो 6 क्लास इतने क्वेश्चन बनते नहीं हैं, बट जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम मिस नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये बेसिक से स्टार्ट की है। ठीक है, तो एक ही लेक्चर है 6 क्लास का, 7th का 2 है। जैसे जैसे 6, 7, 8, 9, 10th के बढ़ रहे हैं तो चैप्टर्स जो लेंथ है लेक्चर इंक्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि चैप्टर की लेंथ भी इंक्रीज़ हो रही है। तो देखिए, 6 to 10th आप मिस नहीं कर सकते, बेसिक से चीज़ें पढ़िए, क्लियर होंगी। इसीलिए हमने ये सीरीज़ पूरी स्टार्ट की है। ये सीरीज़ टैट, सीटैट, कमीशन या कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जिसमें कि जनरल साइंस आती है, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी, क्योंकि 10th तक तो क्या है, बेसिक चीज़ें सारी, तो सारी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ तो बहुत 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 बेनिफिट होने वाली है जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने 9th तक तो डिस्कस कर लिया, फिर आती है 10th क्लास। 10th क्लास का आज MCQ का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपका केमिस्ट्री सेक्शन कंप्लीट होता है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, फिर बायोलॉजी, फिर आपका एनवायरनमेंट। टैट से पहले हम ये सारा सेक्शन कंप्लीट करेंगे क्योंकि आपको पता है टैट इस बार जैसे कि एक ही सेक्शन है, में हो भी सकता है नेक्स्ट टाइम जो टैट होगा उसमें क्या होगा, दो सेक्शन में बांट हो सकता है, तो ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए कोशिश कीजिए कि इस बार ही क्लियर हो जाए, फोकस करिए। टाइम है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई बाहर नहीं जा सकते, वैसे भी जाना ना मना है, कोई आ नहीं रहा घर, तो इससे अच्छा आप अपने स्टडी पे फोकस कर सकते हैं और आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। 10th तक तो आप रट लो चीज़ें, एक बार नहीं तो क्लियर, दूसरी बार देख लो, तीसरी बार देख लो, बट आपका एक भी क्वेश्चन अगर 10th लेवल का आता है तो वो मिस नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं क्योंकि जो मैंने MCQ सीरीज़ है ना, वो बनाई ही इस तरीके से है कि मैंने पूरे प्रीवियस ईयर, मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, सभी क्वेश्चन वहां से लिए हैं और वो ऐड किए हैं। डिफरेंट डिफरेंट वे से कैसे पूछे जा सकते हैं, तो उनका समअप मैंने यहाँ पे किया हुआ है ताकि आप लोगों को इजी हो जाए, आपको बुक्स पकड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ आप क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। देखिए, आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, आप ये सोचोगे कि MCQ के बेसिस पे ही आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। MCQ से आपको टॉपिक के बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद देखिए आप कहाँ स्टैंड करते हो। क्योंकि माना जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो एक पैरा है, माना उसमें 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, बट MCQ वाले में आपसे 10 क्वेश्चन के बजाय 1 क्वेश्चन पूछे हैं, वो भी सिंपल वे में, तो आप वो चीज़ तो समझ जाओगे, बट उस पैरे से हो सकता है कि 10 क्वेश्चन बन सके, वो भी डिफरेंट डिफरेंट वे से, तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमने इस सीरीज़ के 2 पार्ट किए हैं, नोट्स भी, MCQ भी। नोट्स भी फालतू कुछ ऐड नहीं किया है, जो सिर्फ कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है वही चीज़ें ऐड की हैं। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं ताकि बेसिक क्लियर हो जाए। कई बार हम क्या करते हैं, भागते हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होता है, बेसिक क्लियर नहीं होता और फिर लगता है कि हमें आता था, गलत हो गया। इस बेसिक से चीज़ें स्टार्ट कीजिए। तो आज हम लास्ट सेक्शन है जो कि आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ ए एलिमेंट। क्या आता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट। देखिए, मैंने चैप्टर भी इंक्लूड किए हैं, नाम भी बता रही हूँ कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ये बने हैं, इस चैप्टर से ये आए हैं, क्योंकि मैंने खुद पूरा काफ़ी टाइम लगा के सारे क्वेश्चन, जो भी 10 सालों के क्वेश्चन पेपर हैं उनसे, जैसे कि मैटर के क्वेश्चन अलग लिखे हैं वो ऐड किए, नॉन मैटर के हैं वो ऐड किए, बाकी मैंने हर चीज़ उस तरीके से की हुई है जो आज तक आई है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जीके में भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीज़ें मैंने सारी इंक्लूड की हैं ताकि आप लोगों को मुश्किल ना आए। तो इसलिए सारी PDF भी मिल रही है, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ साथ में आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी PDF एंड वीडियो दोनों। टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, जब हम MCQ करते हैं तो हम एक क्वेश्चन नहीं करते, मैं आपको 4 कुछ ऑप्शन हैं उनका पूरा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, यानी आपके एक क्वेश्चन के बजाय 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ ट्रेड इज गिवन बाय, पहले तो ट्रेड का मतलब बोला गया है ट्रिपल, मतलब 3 चीज़ें। ठीक है, तो इनमें बोला गया था कि जो 2 हैं, ठीक है, इन दोनों का जो समअप आएगा, जो बीच वाली वैल्यू होगी उसकी जो प्रॉपर्टी होगी दोनों के बराबर होगी। ट्रेड मतलब 3 बांटा है, मतलब 3 एलिमेंट एक ग्रुप में लिए हैं। तो ये बात की थी डॉबलर ने, ठीक है, किसने बात की थी, डॉबलर ने, इसलिए इसको लॉ ऑफ ट्रेड बोला गया। देखिए, हम यहाँ पे कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की जैसे जैसे साइंटिस्ट डिस्कवरी कर रहे हैं तो क्या किया, तो पहले एक साइंटिस्ट ने कुछ बोला, फिर नया साइंटिस्ट आए, फिर जाके बाद में नरिश होती है ना चीज़ें,
तभी तो रिवीजन ज़रूरी है ना। तो वैसे ही अलग अलग साइंटिस्ट ने रिवाइज किया और इम्प्रूव करते गए, और उससे क्या हुआ, लॉ ऑफ ट्रेड बना पहले, फिर जिसको किसने दिया था, डॉबलर ने दिया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन तो ए हो गया। अब न्यूलैंड ने क्या दिया था, न्यूलैंड ने दिया था लॉ ऑफ पेव, ठीक है। उसमें इन्होंने बोला था एवरी एट्थ एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी फर्स्ट वन से, इसलिए इसको बोला गया लॉ ऑफ पेव। कार्ल वॉइस ने, हमने लास्ट टाइम किया था कि यूरिया की डिस्कवरी किसने की थी, कार्ल वॉइस ने। इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड लैबोरेटरी में बनाया था, उसके बाद डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी। ली चेंटोरियस, देखिए ली चेंटोरियस ने भी पीरियोडिक टेबल में बात की थी, बट इन्होंने सिलिंड्रिकल टेबल के बारे में बात की, पहले नैरो थी फिर सिलेंडर, कैसा होता है नैरो सिलिंड्रिकल टाइप की बात की थी। तो इन्होंने पहले बोला किसी, इस पूरा एक्सप्लेन किया था, तो इनका बिल्कुल वैलिड नहीं माना गया कि डॉबलर का चला, न्यूलैंड का चला, फिर मेंडेलीव का, फिर मॉज़ली का, मॉज़ली का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। क्लियर हो गया आई थिंक, ये 4-5 क्वेश्चन कवर किए हमने, तो एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिए जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया है ना पिछले ईयर्स में, तो ये अलग अलग वे से आया हो सकता है, तो मैं अलग अलग हर पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं, अप टू विच एलिमेंट लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज फाउंड। देखो लॉ ऑफ ऑक्टेव हमने बोला था, क्या बोला था, न्यूलैंड ने दिया था, न्यूलैंड ने आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। तो देखो जैसे सारा गा में पाधा नहीं होता ना, देखो एवरी एट्थ जो फर्स्ट एलिमेंट है, एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी फर्स्ट वन से, ये बोला था। बट ये जो एट्थ एलिमेंट तक होगा ये सिर्फ कैल्शियम तक चला, उसके बाद ये चीज़ नहीं मानी गई, ठीक है। तो उस टाइम तक जैसे न्यूलैंड ने बोला था तो सिर्फ 50 जो थे 6 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, तो ये कैल्शियम तक वैलिड माना है। तो इन्होंने बोला था कहाँ तक वैलिड माना गया, कैल्शियम तक। नेक्स्ट कहते हैं, अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, न्यू न्यू रिसर्च होती है, तो वैसे ही नया डिस्कवरी हुई, तो उसके बाद पीरियोडिक टेबल में एक चेंज आया। आपको पता है पहले तो पीरियोडिक टेबल होता क्या है, पीरियोडिक टेबल ऐसा टेबल है जिसमें एलिमेंट की जैसे डिज़ाइन किया हुआ है, एलिमेंट को प्रॉपर फिक्स प्रोपोर्शन में क्या है। तो फादर ऑफ ए पीरियोडिक टेबल किसे बोला जाता है, देखो मेंडेलीव को तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक, देखो जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, फादर जो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल थे, मेंडेलीव फादर है पीरियोडिक टेबल के, रशियन थे, इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ली और एटॉमिक मास लिया था, ठीक है। उसके बेसिस पे इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया था। सेम टाइम लॉर्डन मेयर भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वर्क किया था, बट इन्होंने कम प्रॉपर्टीज ली इसकी वजह से, और अलग अलग जगह पे ली थी। तब तक मेंडेलीव का काम पब्लिश हो चुका था, लॉर्डन मेयर को बाद में पता लगा, और फिर इसको लॉर्डन मेयर के काम को वर्क नहीं किया गया। अगर मेंडेलीव के बराबर होता इनका काम, तो शायद इनको भी उतनी पब्लिसिटी मिलती जितनी मेंडेलीव को मिली, पर लॉर्डन मेयर का थोड़ा सा नैरो स्केल पे काम था, इसलिए इसको इतना वैलिड नहीं माना गया, फिर भी बुक्स में इनका नाम होता है, ठीक है। मॉज़ली को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उनका जनक माना जाता है, क्या बोला जाता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जनक। न्यूलैंड आपको पता है लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ट्रेड, इनको याद कर लेना कि क्या चीज़ है। ये क्वेश्चन आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैंने जो क्वेश्चन रेड किए हैं ये सीक्वेंस वाइज है, आप बुक में भी देख लेना, एक पेज है तो पहले एक पेज के हैं, सेकंड पेज के, थर्ड पेज के, इस तरीके से, और जो आए हुए हैं प्रीवियस वो किस वे से आए हैं, कैसे आए हैं, वो सारे इंक्लूड किए हैं, ठीक है। चलिए, मेंडेलीव जो पीरियोडिक टेबल था, गैप वेयर लेफ्ट टू ऑफ ए एलिमेंट टू ए पीरियोडिक एलिमेंट टू ए डिस्कवरी लेटर विच इज़ फॉलोइंग। इन्होंने बोला था जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल था, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जो कि बहुत ही वैलिड मानी गई। इन्होंने अभी बताया मैंने एटॉमिक मास की बात की थी, और इन्होंने ये चीज़ जो इन्होंने जब इनका डिस्कवरी थी तो 63 एलिमेंट थे, फिर उसके बाद जैसे इन्होंने कुछ एलिमेंट की क्या की थी, पहले ही भविष्यवाणी, जैसे एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं ना वो भविष्यवाणी कर देते हैं ऐसा होगा, वैसे ही मेंडेलीव को भी भविष्यवाणी कर दी थी इन्होंने कि कुछ एलिमेंट जो होंगे वो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे। नाम नहीं पता था कि कैसी प्रॉपर्टी होगी, बट कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, ये चीज़ इन्होंने पहले ही बता दी थी, और वैसा ही हुआ। तो इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो डिस्कवर हो के बाद में आया, तो देखिए मेनली जो दो कंपाउंड थे जैसे कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद इन्होंने बोला था कि एक एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी जिसको इन्होंने ईका का नाम दिया, ईका मतलब नेक्स्ट, तो गैलियम आ गया। सिलिकॉन के बाद इन्होंने बोला जब एक और एलिमेंट की डिस्कवरी हुई जिसका नाम ईका सिलिकॉन रखा गया, बाद में इसकी जर्मेनियम की डिस्कवरी हुई, तो देखो इसमें बोला गया था कौन सा नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ बाद में, तो वो हो गया जर्मेनियम, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट कहते हैं, एट द टाइम ऑफ ए मेंडेलीव द नंबर ऑफ ए एलिमेंट नोन,
जब एनलीव की एलिमेंट्स की डिस्कवरी की तो कितने एलिमेंट थे, अभी हमने डिस्कस किया 63 एलिमेंट डिस्कवर थे जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल की बात की थी। नेक्स्ट करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस पे था। अभी हमने किया कि मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल था, फिर उसके बाद डेवलपमेंट हुई, मॉज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, इस बेसिस पे किया। जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास पे बेसिस था, और जो मॉडर्न पीरियोडिक नंबर था जो डिस्कवरी हुई वो क्या था, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, इंक्रीज एटॉमिक मास इन ए पीरियड, नो मास की तो बात ही नहीं है, तो मास के दोनों ऑप्शन करेक्ट गलत हो जाएंगे। इंक्रीज एटॉमिक नंबर इन हॉरिजॉन्टल, इंक्रीज एटॉमिक नंबर इन वर्टिकल, तो कौन सा आएगा, वर्टिकल होता है डाउन द ग्रुप, इस साइड को होता है ऑरिजेंटल मतलब पीरियड की तरफ, तो पीरियड की तरफ एक एक नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इस बेसिस पे उन्होंने किया, क्योंकि डाउन द ग्रुप शैल इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई है, बट अलॉन्ग द पीरियड किसका था, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, हाउ मैनी पीरियड एंड ग्रुप प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल, कितने ग्रुप एंड पीरियड प्रेजेंट है मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो पहले तो हम देख लेते हैं कितने पीरियड्स हैं, तो देखिए जो पहले वाला पीरियडिक टेबल था ये था मेंडेलीव का दिया हुआ, इसमें 7 पीरियड थे। अब बोलोगे आप यहाँ पर तो 6 है, देखो जो 7th है ये कंसिडर क्या है, ठीक है, 7th है, 8 क्या थे, ग्रुप थे जो मेंडेलीव का था, और जो लेटेस्ट जो पीरियडिक टेबल आया उसमें 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड डाउन द ग्रुप, ठीक है, 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप की डिस्कवरी हुई। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, 7 पीरियड 18 ग्रुप, फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है, और क्या था दूसरे में, क्या था, 7 ग्रुप एंड 8 पीरियड, तो वो क्या था, मेंडेलीव का। आई थिंक दोनों डाउट्स क्लियर होंगे, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए डिसएडवांटेज ऑफ ए पीरियडिक नॉट मेंडेलीव पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल था डिस्कवरी की उन्होंने, तो इनमें से डिसएडवांटेज क्या हुए कि मॉज़ले पीरियडिक टेबल बना, कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है। देखो पोजीशन ऑफ ए हाइड्रोजन इन्होंने अच्छे से बताया नहीं, एनवलस प्रॉपर्टी थी, हैलोजन के साथ भी रिजम्बल की थी और एल्किल मेटल के साथ भी रिजम्बल करती, तो इन्होंने एग्जैक्ट पोजीशन हाइड्रोजन की नहीं बताई। आइसोटोप्स, आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो आइसोटोप्स को एक ही जगह फिल कर दिया, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, ठीक है, ड्यूटेरियम प्यूटेरियम ट्यूटेरियम, तो तीनों को एक ही जगह रिजम्बल किया, वो चीज़ अक्सर नहीं की। देखो गैप ऑफ द पीरियड पीरियडिक टेबल विच एलिमेंट नॉट डिस्कवर, देखो इसमें बोला गया है गैप था पीरियडिक टेबल में रखा गया जो डिस्कवर नहीं हुए थे, तो ये तो पॉजिटिव बात थी मेंडेलीव पीरियडिक टेबल की, तो ये आ गया आपका पॉजिटिव बात, ठीक है, एनिमलस पेयर, जैसे कि कुछ जो प्रॉपर्टी थी वो सिमिलर, कुछ एटॉमिक मास प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया था, वो आ गया एनिमलस प्रॉपर्टी में, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ आपका करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, इनमें से किसकी एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज है। देखो एटॉमिक रेडियाई होती है, जैसे कि माना ए शेल है, ठीक है, इसमें कितने डिस्टेंस है सेंटर से यहाँ तक, वो आती है इसकी एटॉमिक रेडियाई, तो किसकी एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होगी, देखिए पीरियडिक टेबल में हम इस चीज़ को समझेंगे, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है, ठीक है, क्योंकि शेल इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे कि 2 शेल हैं फिर 3 आ जाएंगे, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है ना, बट जब हम इस साइड को जा रहे हैं तो एक ही शेल में पहले 2 होंगे, फिर 4 आ जाएंगे, फिर 5 आ जाएंगे, एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, यानी इस साइड को जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगी। तो इसमें क्या पूछा गया है कि एटॉमिक रेडियाई किस तरफ को इंक्रीज कर रही है, तो देखेंगे ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन किसकी ज़्यादा है, तो देखिए जो एलिमेंट पहले आएगा, देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन 3 एलिमेंट बोथ की थी, इस साइड को था, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर रही थी, तो नाइट्रोजन की ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई होगी, फिर ऑक्सीजन की होगी, फिर फ्लोरीन की होगी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा करेक्ट डी, क्योंकि नाइट्रोजन पहले है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, आई थिंक आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई अलोंग द पीरियड क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, और डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई का मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए रेडियस। नेक्स्ट करते हैं, विच
of the most reactive element in a alkali group. कौन सा alkali group का most reactive element है? देखिए ये periodic table है, इसमें alkali metal ये आते हैं. तो इसमें जो सोडियम है, पोटाशियम है, वो इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो पानी के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए इन्हों किसमें कैरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है. ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी करेक्ट. कौन सा? बी करेक्ट. नेक्स्ट करते हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ ए टू शेल एंड बोथ आर कम्प्लीटली फिल्ड. मतलब एक शेल है, दूसरा शेल है, बट दोनों कम्प्लीटली फिल्ड है. हीलियम देखेंगे, हीलियम में क्या है? एक शेल है, ठीक है, के शेल, जो कि फुली फिल है. तो एक शेल है, दो शेल की बात की गई है, हीलियम तो होगा नहीं. फिर नियॉन देखते हैं, नियॉन में क्या है? जैसे ये के एल शेल आ गया, तो इसमें दो शेल है, तो दोनों क्या हैं? फुल हैं, क्योंकि 10 जो इसके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है. तो फर्स्ट में दो आ गए, सेकेंड में इसके 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये क्या है? फुली फिल है. तो ये तो ऑप्शन आ गया हमारा करेक्ट, दो शेल हैं, दोनों कम्प्लीटली फिल हैं. बट व्हाट अबाउट अ कैल्शियम? कैल्शियम का क्या है? कैल्शियम का जो आता है, देखिए 20 मतलब 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए? 6 7 8 9 10. ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 कितने हो गए? 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 हो गए. फिर 3s2 3 फिर 3d आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की थी, तो ये तो इसमें तो ज़्यादा शेल आ गए, क्योंकि अगर फुल होना होता तो 1s2 2s2 2p6, तो ये तो वैलिड नहीं माना गया, टू शेल है कम्प्लीटली फिल, क्योंकि थर्ड सेल ऐड हो गया ना. क्योंकि देखिए 3s ऐड हुआ, मतलब थर्ड सेल ऐड हो गया, तो ये तो होगा नहीं. नेक्स्ट जो आ गया आपका बोरोन. बोरोन में भी क्या है आपके? कितने हैं बोरोन में? जो हैं देखिए 5 हैं, तो ये फुली फिल तो है नहीं, क्योंकि टू शेल है, कम्प्लीटली फिल बात की है, तो नियॉन आ गया ऑप्शन. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी नियॉन. नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सेम नंबर ऑफ ए सेल? किसके सेम नंबर ऑफ ए सेल नहीं है? देखेंगे एल्युमिनियम, गैलियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस. देखते हैं क्या है. एल्युमिनियम, गैलियम, ठीक है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस. जब हम इस साइड को जाते हैं, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, डाउन द ग्रुप शेल इंक्रीज कर रहा है. तो क्या है? इसमें सेम सेल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसमें नहीं है. तो देखो एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. गैलियम में क्या है? न्यू सेल ऐड हो रहा है. तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट? ऑप्शन आ जाएगा आपका बी इज द करेक्ट. आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट करते हैं. इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिपेंड अपॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिपेंड किस पे करता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिपेंड करता है कि बॉन्ड ब्रेक होगा. तो देखिए डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो क्या हो रहा है? शेल इंक्रीज कर रहा है, मतलब जो बीच वाला है उससे इंट्रैक्शन कम हो रही है बाहर वाले की, तो ये इजिली तोड़ पाना. जैसे कि ज़्यादा भीड़ होगी तो जो पास पास के लोग होंगे उनके साथ इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी, दूर से कम होगी. तो वैसे ही शेल इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस साइड की इंट्रैक्शन कम हो जाएगी और इस साइड की इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी. तो डाउन द ग्रुप क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज करेगा. और मेटल आपको पता है, देखिए ये है आपका पीरियोडिक टेबल, इस साइड मेटल होते हैं, इस साइड नॉन मेटल होते हैं. डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है. क्यों बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है? क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिपेंड करता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, किस पे? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. अब डायरेक्टली ये क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो इसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर शो करता है, ठीक है, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा. तो याद रखना, डाउन द ग्रुप जल्दी ब्रेक होगा और अलॉन्ग द पीरियड नहीं होगा, क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव करेक्टर इंक्रीज करता है. तो सिर्फ आपको नाम दिए जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चंस ये दे दिए जाएंगे. लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीनियम, सीजियम, किसके बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा? तो सीजियम के होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? शेल इंक्रीज कर रहा है, शेल इंक्रीज कर रहा है, तो उसको ब्रेक करना इजी होता है. बट अगर ऑप्शन ये दे दी जाएगी कि आप इसमें से और इसमें से रुबीडियम एंड स्ट्रॉन्शियम में बताओ, तो किसका बताओगे आप? देखिए इस साइड जैसे कि रुबीडियम एंड बेरियम का आ गया माना, तो कन्फ्यूज़न है कि बेरियम
का होगा या रूबीडियम का होगा, क्योंकि बेरियम तो नीचे है रूबीडियम के। तो इसमें आ जाएगा कि जब इस साइड को जाते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव फैक्टर डिक्रीज होता है, तो रूबीडियम का ही बॉन्ड ब्रेक करना इजी होगा कंपेयर टू बेरिलियम। तो इस तरीके से अलग अलग वे से क्वेश्चन आते हैं, तो कर लेना आप, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी किया हमने, जब हम इस साइड को जाते हैं तो क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में ही देख लेते हैं। इस साइड को जाते हैं तो क्या हो रहा है हमारा, तो हो रहा है कि इस साइड को गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है कि बॉन्ड उसमें अट्रैक्ट होगा। तो अगर माना इसको इस तरीके समझो कि एक स्टूडेंट है, उसको हाई स्कोर करने के लिए 41 चाहिए, बट उसके 40 आ गए, उसको बहुत तो कोशिश करेगा कि 41 कैसे ना कैसे आ जाए, क्योंकि उसको दुख होगा कि 1 मार्क्स रह गया, तो वो कोशिश करेगा जल्दी जल्दी अट्रैक्ट करें। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगी, मतलब अटैचमेंट पे डिपेंड करेगी। तो इस साइड को क्या होगा, शेल इंक्रीज कर रहा है फुली फिल, फुल करने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक कम होगा जैसे कि इस ग्रुप में, तो ये कोशिश करेगा कि फुली फिल हो जाए और स्टेबल कॉन्फिगरेशन करें। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव करेक्ट, जो नेगेटिव करेक्टर है वो आता है आपका इंक्रीज अलॉन्ग द पीरियड, ठीक है, क्लियर हो गया। और इस साइड को क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज करता है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट इन ए सेल डिपेंड अपॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेल में होंगे किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है 2n स्क्वायर रूल पे। कैसे, अब देखिए बोहर ने ये बात की थी, देखो ये सेल n मतलब 1 का मतलब k, n मतलब 2 के l, थर्ड मतलब m, ठीक है, के एल एम एन आ गया। तो यहाँ पे 2n स्क्वायर रूल अप्लाई होगा, k का मतलब 1, 2 1 स्क्वायर, क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। तो याद रखना के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैसे वैसे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, पर याद रखना एक शेल में सिर्फ एक 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो 2n स्क्वायर रूल फॉलो होगा यहाँ पे, आई क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करता है अदर नेम ऑफ ए ग्रुप 17 एलिमेंट। तो देखते हैं पीरियोडिक टेबल में भी हम इस चीज़ को देखते हैं, हमें पूछा गया है अदर नेम ऑफ ए ग्रुप, कितना पूछा था भूल गए, ग्रुप 17। तो देखिए ग्रुप 1 एल्कली मेटल, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप आपका 18 नोबल गैसेस, ग्रुप 17 हैलोजन, ठीक है, ग्रुप 17 को बोला गया हैलोजन। तो ऑप्शन कौन सा आ गया आपका करेक्ट, हैलोजन ग्रुप, ग्रुप 17 को बोला गया, तो ऑप्शन इज द करेक्ट। आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट रखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट नॉट ए पार्ट ऑफ ए हैलोजन फैमिली, कौन सा एलिमेंट है जो पार्ट नहीं है हैलोजन फैमिली का, ठीक है, देखते हैं। हैलोजन फैमिली अभी हमने किया, सॉरी यहाँ पे सारे क्या है, हैलोजन नहीं आना था, यहाँ पे आना था नोबल फैमिली, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी हैलोजन का नहीं है। तो याद रखना विच, कौन सा नोबल गैस, जो नोबल है ग्रुप है उसका पार्ट नहीं है। पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, देखो नोबल गैसेस का पार्ट कौन कौन सा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये आ गए। इनमें से कौन सा नहीं है, देखिए इसमें से आर्गन भी है, नियॉन भी है, हीलियम भी है, नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन किस ग्रुप का पार्ट है, देखिए नाइट्रोजन है आपका ग्रुप कौन सा आ गया, 15, क्लियर हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर इज कौन सा आ गया, 3। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो ये करेक्ट कर लिया जाएगा नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल फैमिली का नहीं है। नोबल फैमिली क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होते औरों के साथ, इसलिए इन्हें नोबल गैसेस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है कि किस पे डिपेंड करेगी, कि उसमें शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी क्योंकि शेल इंक्रीज कर रहा है तो अट्रैक्शन कम फील होगी। तो फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेटलॉइड, सबसे पहले तो समझेंगे मेटलॉइड क्या होते हैं। मेटलॉइड जो कि मेटल एंड नॉन मेटल दोनों बिहेव करते हैं, मतलब ये बीच का बंदर बोलते हैं ना वैसे वाले, तो बीच का बंदर इसमें से कौन से हैं देखते हैं। देखिए पहले तो आ गया सोडियम पोटाशियम रूबीडियम, ये तो देखते हैं किस फैमिली के आते हैं, सोडियम पोटाशियम रूबीडियम, तो ग्रुप 1 के आ गए, तो ये तो एल्कली मेटल में है, तो ये तो मेटल आ गए, तो ये सारे रूबीडियम आर भी आएगा, तो ये आ गया आपका एल्कली मेटल,
तो ये तो मेटल है। फिर आ गया बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, तो ये देखिए बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम दिस इज ऑल्सो मेटल, तो ये भी मेटल है, मतलब ये करेक्ट आंसर नहीं है। फिर आता है बोरोन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, देखते हैं। देखिए जो येलो यहाँ पे शो किया है, ये शो किया हुआ है आपका, क्या शो किया है आपका, मेटलॉइड। तो बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके, कौन से आगे, ये आगे मेटलॉइड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। हीलियम नियॉन आर्गन, ये देखते हैं, ये भी देख लेते हैं। हीलियम नियॉन आर्गन ये है नोबल गैसेस और ये आती हैं नॉन मेटल में, ये लेस रिएक्टिव होती हैं, आई थिंक डाउट किया। चलिए जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ ना, ये सारे सारे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कुछ मैंने आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया तो वो भी समझ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए पीरियोडिक टेबल को चार पार्ट में बांटा गया है, कौन कौन से, एस पी, ठीक है, ग्रुप वन ग्रुप टू, ठीक है, 13 से लेके 18 तक पी, बीच वाला डी, नीचे वाले दो एफ, ठीक है। जो आपका ग्रुप वन है उसे बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा एल्किली मैटर, ग्रुप टू एल्केलाइन अर्थ मैटर, ठीक है। और आपको पता है ये हैलोजन है ग्रुप 17 और ये है नोबल गैसेस। तो जो एस एंड पी है इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है, डी को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये दोनों के बीच में बिहेव करता है, सबसे ज़्यादा ऑक्साइड्स इसके होते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी ही शो होती है, क्योंकि इसमें क्या है, डी जो शेल है वो क्या होता है उसमें फीलिंग होती है। तो ऑप्शन ट्रांजिशन एलिमेंट पूछा गया है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला जाएगा आपका, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखिए इसमें मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड किए हैं जो इस चैप्टर में नहीं है, तो जो एचवी टैट से पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में, तो वो सारे यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। आई थिंक आपको डाउट क्लियर होंगे, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपको जो आप क्वेश्चन पूछते हो वो डाउट क्लियर हो गया है तो भी आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपके डाउट क्लियर हो गया है, अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा आपका तो आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसलिए आप नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं लगेगा, इसलिए कमेंट करके बता दीजिए कि आपका डाउट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है क्वेश्चन के बाद, नहीं हुआ है तो क्लियर करेंगे फिर से और अच्छे वे से उस चीज़ को समझाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। सो शेयर कीजिए एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स के साथ ताकि उनको भी मदद मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।